आज का विषय है क्लिनिकल लैबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल का क्या महत्व है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एक सिस्टम, एक प्रणाली है जिसमें यह पता होता है कि लैबोरेटरी के सारे व्यवहार सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। अगर लैबोरेटरी के सारे व्यवहार सही है तो पेशेंट को सही रिपोर्ट सही वक्त पर मिल जाएगा और उसे सही वक्त पर ट्रीटमेंट भी मिल जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल प्रणाली लैबोरेटरी में होने से जो डॉक्टर पेशेंट को लैबोरेटरी में भेजते हैं उन्हें लैबोरेटरी के रिपोर्ट पर पूरा भरोसा होता है और पेशेंट को भी लैबोरेटरी पर पूरा भरोसा होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर लैबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फिर लैबोरेटरी रिपोर्ट बराबर है कि नहीं इसकी जानकारी भी नहीं मिल सकती। तो चले देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसे इस्तेमाल होती है। क्वालिटी कंट्रोल के दो तरीके हैं, एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। तो पहले देखते हैं कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का तीन स्तर में वापर होता है। तो ये कौन से तीन स्तर है? प्री एनालिटिकल एरर्स कंट्रोल करना, एनालिटिकल एरर्स कंट्रोल करना और पोस्ट एनालिटिकल एरर्स पर पूरा काबू लाना। यानी कि यह देखकर कि एरर्स यानी कि त्रुटि लैबोरेटरी के पूरे काम में न आए, क्योंकि लैबोरेटरी के काम में अगर त्रुटि एरर्स का प्रमाण ज़्यादा होता है तो पेशेंट के रिपोर्ट बराबर नहीं आ सकते। तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्री एनालिटिकल एरर्स क्या होते हैं। प्री एनालिटिकल एरर्स का मतलब है सैंपल्स जैसे कि खून, सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, सीएसएफ वगैरह एनालिसिस करने के पहले ही त्रुटि यानी कि एरर से भरपूर है। तो प्री एनालिटिकल एरर्स कैसे आते हैं और वह कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगर ब्लड शुगर के लिए खून फ्लोराइड एंटीकोवलेंट में नहीं मिक्स किया तो खून की शक्कर शुगर यानी कि ग्लूकोज का विघटन होते रहता है ग्लाइकोलिसिस की वजह से, और ऐसा खून दो घंटे के बाद में शुगर के लिए टेस्ट किया तो ब्लड शुगर की रिपोर्ट बहुत ही कम आ सकती है। और समझो अगर फ्लोराइड खून का वापर हुआ और उसका रिपोर्ट 200 मिलीग्राम परसेंट है और बगैर फ्लोराइड खून में दो घंटे के बाद अगर शुगर टेस्ट की तो 100 से भी कम शुगर का रिपोर्ट आ सकता है, क्योंकि ग्लूकोज का विघटन होते रहता है ग्लाइकोलिसिस की वजह से और फ्लोराइड से मिक्स करने से ये विघटन नहीं हो सकता है, विघटन रोका जाता है फ्लोराइड की वजह से क्योंकि ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है। दूसरा उदाहरण है, अगर सीरम चाहिए तो खून और एंटीकोगुलेंट मिक्स करने के बाद में आधे घंटे में ही सीरम अलग करना चाहिए। अगर दो तीन घंटे के बाद में सीरम सेपरेट किया तो क्या होता है कि जो लाल पेशी होते हैं ना उसमें पोटेशियम और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो है वो सीरम में चला जाता है और उसके वजह से सीरम की पोटेशियम और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस की वैल्यू बहुत ही बढ़ती है। तो प्री एनालिटिकल एरर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो वह सब तरीके जिससे आप पेशेंट का स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पेशेंट प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, जहाँ पेशेंट को सूचना सही तरह से न देने से, फिर खून लेते समय खून और एंटीकोगुलेंट का जो प्रमाण रहता है वो गलत हो सकता है, तो फिर जब भी खून सेंट्रीफ्यूज करते हैं प्लाज्मा सीरम के लिए तभी सही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वापर
न होने से। फिर सीरम और प्लाज्मा जैसे पहले बताए वैसे सही वक्त पर अलग न करें तो। फिर सीरम और प्लाज्मा सही तापमान में स्टोर न किए तो। और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन करते समय भी जो भी सूचना का प्रोटोकॉल रहता है उसका बराबर वापर करना चाहिए कि तभी कौन से टेम्परेचर में और कैसे सैंपल ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसलिए यह एकदम जरूरी है कि टेक्नीशियन हर एक टेस्ट का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी कि SOP का बराबर पालन करें। इससे प्री एनालिटिकल एरर्स पूरे काबू में रह सकते हैं। और एक बात ध्यान में रहे कि लेबोरेटरी के सही व्यवहार में प्री एनालिटिकल एरर्स का लगभग 84% तक हिस्सा रहता है। और फिर लेबोरेटरी में आप करोड़ों रुपए की मशीन भी क्यों यूज़ न करो, उसके बावजूद भी आपके रिपोर्ट्स बराबर नहीं निकल सकते हैं। इसके लिए प्री एनालिटिकल एरर्स का कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि प्री एनालिटिकल एरर्स की और जानकारी के लिए आप हमारा MLT बुक 3rd edition में चैप्टर 6 में 166 पन्ने पर इसकी जानकारी देखिए, पूरी जानकारी हमने इसमें दी है। लेबोरेटरी में एक अच्छे सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है जो प्री एनालिटिकल एरर्स पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकता है और वो सारे एरर्स कंट्रोल में रह सकते हैं। चलो तो अब हम चर्चा करेंगे एनालिटिकल एरर्स की। तो एनालिटिकल एरर्स में सब त्रुटि यानी कि एरर्स शामिल है जो सैंपल्स जैसे कि खून, पेशाब, CSF वगैरह वगैरह एनालाइज करते समय टेक्नीशियन और मशीन के व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। टेक्नीशियन अगर लेबलिंग, पाइपेटिंग, मिक्सिंग, इंक्यूबेटिंग जैसे व्यवहार करते समय गलती करे तो एनालिटिकल एरर्स तो हो सकते हैं। और मशीन्स भी अगर अच्छी तरह से जांच न करे, जिसे कैलिब्रेशन कहते हैं, अगर वो अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड न हो तो भी मशीन एरर दे सकता है। वैसे एनालिटिकल एरर्स अंत में जब ये लेविजनिंग चार्ट्स जो निकलता है जब ऑटो एनालाइजर यूज होता है तभी, तो उससे पता चलता है कि एनालिटिकल एरर हुआ है कि नहीं। तो लेविजनिंग चार्ट का हमारा वीडियो आप जरूर देखें और MLT बुक में भी 6 नंबर के चैप्टर में लेविजनिंग चार्ट का जिक्र हुआ है, वो भी पढ़ें। पोस्ट एनालिटिकल एरर्स में रिजल्ट कैलकुलेशंस बराबर न हो, रिपोर्ट अलग नाम पर चला जाए या बारकोड स्ट्रिप का गलत इस्तेमाल हो, इस जैसी बातें शामिल हैं। और यह त्रुटि एरर्स पर भी अच्छे सुपरवाइजर के वजह से एरर्स का कंट्रोल हो सकता है। तो यह सब थी इन्फॉर्मेशन इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो एक बात बिल्कुल तय है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के जो 3 स्तर है, प्री एनालिटिकल एरर कंट्रोल, एनालिटिकल एरर कंट्रोल और पोस्ट एनालिटिकल एरर कंट्रोल, इनमें से किसी भी एक में अगर त्रुटि यानी कि एरर्स का प्रमाण आ जाता है तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम पूरा नाकाम हो सकता है। और कामयाब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल एरर्स पर पूरा काबू पाना। चलो अब देखते हैं कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में लेबोरेटरी एक ISO नामांकित ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में पार्टिसिपेट करती है। तो उसके जरिए वह ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी को एक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल देती है और उस क्वालिटी कंट्रोल सैंपल के एनालिसिस करने के बाद में जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन,
यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, उसके रिपोर्ट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेबोरेटरी को भेजने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से हर एक वैल्यू की टारगेट वैल्यू और एक्सेप्टेबल वैल्यू से जो भी कुछ मार्क्स है वो ऑर्गेनाइजेशन देती है। और जब भी आपका स्कोर अच्छा है तो आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, मीन्स आपका एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है वो बहुत ही अच्छा हो रहे हैं, ऐसा प्रमाण आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर सोचो कि क्वालिटी कंट्रोल सीरम की ग्लूकोज की वैल्यू, टारगेट वैल्यू है 210 और एक्सेप्टेबल वैल्यू है 206 से लेके 214 तक, तो इसके दरमियान जब भी आपके वैल्यूज आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसे हर एक कंपोनेंट के लिए कि जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सभी के लिए मार्क्स होते हैं। और जब भी लेबोरेटरी के मार्क्स अच्छे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वह कंपनी इंटरनेशनल दर्जे का काम कर रही है। तो ये फ़ायदा होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का। क्लिनिकल लेबोरेटरी के सब सिस्टम्स यानी कि प्रणालियाँ अगर सही हो तो पेशेंट का रिपोर्ट एकदम सही एक्यूरेट होता है, और जो एरर्स निकलते हैं वो टेक्नीशियन से भी ज़्यादा जुड़े होते हैं गलत सिस्टम से। अगर सिस्टम परफेक्ट सही हो तो स्टाफ का व्यवहार भी सही होता है। यह 5 क्वालिटी फ्रेमवर्क देखो, इस 5 क्वालिटी फ्रेमवर्क से यह पता लगता है कि अगर लेबोरेटरी का प्लानिंग का दर्जा अच्छा हो, लेबोरेटरी के सारे व्यवहार अच्छे हो और वह सब काम अच्छे क्वालिटी कंट्रोल से रोज अगर परखे जाए और उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो समझने के बाद वो निकाले जाए, कम किए जाए, तो फिर काम के क्वालिटी के दर्जे में प्रगति दिन ब दिन होती रहती है और फिर उस क्लिनिकल लेबोरेटरी का नाम बहुत ही रोशन होता है और उस लेबोरेटरी का अच्छा बोलबाला रहता है। वेल, तो मुझे आशा है कि आपको आज का ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में का वीडियो पसंद आया हो। तो आप हमारा यह चैनल प्रफुल्ल गोडकर एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि आपको मालूम पड़े कि अगला वीडियो कब सा आ रहा है। तो अगली बार हम लेके आएंगे आपके लिए और एक अच्छा एजुकेशनल वीडियो। तब तक थैंक यू वेरी मच।